and myself Shalini, and now I'm going to start your question number 5, and it is 1129 divided by 1000. Write down here question and remainder. See here, 1000 को आपको डिवाइड करना है 1129 को 1000 से. अब देखिए इधर हम लोग 3 डिजिट लेते हैं, 4 डिजिट है ना, यहाँ 4 डिजिट्स हो गई. ये डिजिट जब हम डिवाइड करते हैं तो इनसे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 1000 बन जा 1000, एंड 1000 टू तक 2000, 2000 की जगह से ज्यादा हो जाएगा, 1000 बन जा 1000. माइनस करिए, 90 माइनस किया 9 2 1, और उनमें से बन गया 0. यहाँ पर देखिए आगे कोई डिजिट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 129, और क्यू क्या होगा, 1. तो क्वेश्चन होगा हमारा 1 और रिमाइंडर होगा 129. और नेक्स्ट क्वेश्चन 2690 डिवाइड बाई 100. आपको यहाँ पर 2690 को 100 से डिवाइड करना है, एंड राइट डाउन क्वेश्चन एंड रिमाइंडर हियर. सो 100 को देखिए 3 डिजिट्स ले रहे हैं हम, 100 2 जा 200. माइनस करिए 9 6, 2 से 2 माइनस किया 0. अब देखिए हमारे पास 1 डिजिट अभी बची हुई है, ये रहा, तो 100 6 जा 600. फिर से माइनस करिए 0 9 0. सो आपका रिमाइंड क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन आ गया 26, और रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा आ गया 90. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.